हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल funzilla.com। मी दीपिका आपके सामने। लास्ट टाइम मैंने आपके सामने 100 डेज चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर लाया था। 100 डिज्नी कैरेक्टर्स ड्रॉ किए थे मैंने, स्केच किए थे वाटर कलर से, एंड कलर भी किया था, वाटर कलर से कलर किया था, स्केचिंग की थी उस पर, एंड पोर्ट्रेट बनाए थे मैंने, कुछ पोर्ट्रेट्स भी बनाए थे लास्ट में। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखो, और मैं इसका लिंक इसके साथ लगा दूँगी, ठीक है? देख लो इसका लिंक, मैं प्ले पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक डोम्स ब्रश पेंस का स्वाच टेस्ट दिया था, ठीक है? उसके बाद मैंने कैमल वाटर कलर जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, जो कैमल वाटर कलर, मैंने उसका भी स्वाच टेस्ट आपको दे दिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरे पास तीन तरह के पेंसिल कलर्स हैं, तो एक मैं अभी मार्केट से लेकर आई हूँ, दो मेरे पास पहले से ही हैं। एक है मेरे पास फेवर कैसल की पेंसिल सेट, 24 शेड्स पेंसिल सेट है मेरे पास, ठीक है? और दूसरा है मेरे पास, छोटा सा है, 12 शेड कैमल पेंसिल कलर्स, ओके। एंड थर्ड मैं अभी मार्केट से लेकर आई हूँ डोम्स, ठीक है? सो ये हैं डोम्स के अभी कलर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इनका स्वाच टेस्ट करेंगे, ठीक है? और ये भी देखेंगे कि एक दूसरे में मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना? और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, देख लेंगे कि कौन बेटर है ना? तो मेरे पास तीन हैं, इसलिए मैं स्पेशली मार्केट से नहीं लेकर आई, मुझे डोम्स कलर चाहिए थे, इसलिए तो मैंने सोचा ये 24 का सेट में है और मार्केट से ही ख़रीद के ले आई, ठीक है? इसको मुझे ऑनलाइन नहीं मंगवाना पड़ा, ये मेरे पास, मतलब मेरे को मार्केट से ही मिल गया, मेरे मार्केट से मिल गया। तो तीन कलर्स, पेंसिल कलर्स का कंपैरिजन करेंगे आज, ओके? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो, एंड अगर आप न्यू हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द, और लाइक द बेल आइकन, और लाइक द लाइक बटन, एंड उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और सब्सक्राइब करके जाना, ओके? सो चलो फिर स्वाच टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे उसको, ओके? Thank you.
सो स्वाचेस देख लिए आप लोगों ने, देखे ना तो कलर्स बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट हैं ये तीनों के तीनों हमारे डोम्स, ठीक है, फेवर कैसल एंड कैमलिन है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे हैं। इनके जो स्वाचेस मैंने, इनके जो स्ट्रोक्स या फिर कलर जो मैंने आपको दिखाए हैं, पैचेस जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगली बारी मैं क्या करूँगी, इनका जो है मर्जिंग टेस्ट लेकर आऊँगी कि ये एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं या नहीं, ठीक है, किस तरह से मर्ज करते हैं ये पेंसिल कलर एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वीडियो या फिर कल की वीडियो में ही मैं आपको मर्जिंग लेके आऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, बट ये आप ध्यान से देखो, ये मैंने आप लगा दिए हैं, मैंने सी सी मतलब कैमल, एफ मतलब फेवर कैसल एंड डी मतलब डोम्स, ठीक है। मैंने सोचा था सिर्फ दो ही चीज़ों का स्वाच टेस्ट करूँगी, बट मैंने कैमल भी डाल दिया बीच में। आप अगर बोलोगे तो मैं ना अलग से लिख कराऊँगी, और मैं वाटर टेस्ट भी करने वाली हूँ कि ना इसमें मर्जेंस अच्छी होती है या नहीं, ठीक है, इनका बेटर कंपैरिजन लेने के लिए। कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, हाथों पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तो नहीं लग रहे हैं। कैमल का चेक कर लेते हैं, तो कैमल के भी नहीं है, कुछ ज़्यादा पिगमेंट होता है, कुछ पेंसिल्स कलर में ज़्यादा पिगमेंट है तो वो थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में लगता है, लेकिन अगर आपने इसका पोर्ट्रेट बनाया है या कुछ ड्रॉ किया है तो वो इतना बुरा नहीं लगता। जैसे मैं फेवर कैसल में पुराने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो मतलब मैंने काफ़ी सारी वो बताई हुई, मैं कभी अगली वीडियो में ना एक अपनी स्केच बुक की वो बताऊँगी। सो ये टाइगर मैं बताना चाहती हूँ, इसमें मैंने कलर यूज़ किया, फेवर कैसल यूज़ किया हुआ है, और डोम्स मैंने सिर्फ आज ही लाया है, तो डोम्स की पिक्चर मेरे पास कोई भी नहीं है, है ना। तो ओवर इन ऑल तीनों कलर अच्छे हैं, ज़्यादा बाहर से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, या ऑनलाइन ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ब्रूस्टो के पेंसिल कलर्स हो गए या फिर कोई और कलर हो गए। अगर आप नॉर्मल बिगनर हैं, एज अ बिगनर के लिए अगर आप ये कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, अगर आप ज़्यादा कॉस्टली नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती, ठीक है, अभी 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 अगर मुझे मंगवाना होगा तो मैं काफ़ी टाइम लगाऊंगी मंगवाने पे, बट अगर मुझे ऑर्डर करना होगा तो मैं बाद में जाके, क्योंकि मेरा मन तो है, आप स्टेशनरी जब किसी को पसंद होती है ना कोई चीज़, तो आप चाहते हो कि सारी की सारी चीज़ें आपके पास हो, मन तो मेरा सब कुछ खरीदने का करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही आ सकती है। तो लेकिन अगर आप बिगनर्स हो और आपको पेंसिल ड्राइंग्स पसंद है, स्केचेस पसंद है, तो अगर आप ये यूज़ कर सकते हो, और फेस स्केचेस पे भी, फेस पे जैसे आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो उस पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आपको क्रिएटिविटी यूज़ करनी है अपनी, है ना, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके आप बहुत सारे जो हैं एक मास्टर पीसेस बना सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, सो प्लीज़ लाइक करके जाना, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, कर दो, हिट कर दो, स्मैश कर दो, एंड लाइक करके जाना, कमेंट करना इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एंड इफ़ यू वॉन्ट समथिंग एल्स, रिव्यू ऑफ समथिंग एल्स, सम अदर कलर्स एंड ऑल, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।